नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेसिंग और वर्किंग सेट मॉडल देखो सबसे पहले समझते हैं थ्रेसिंग क्या होती है अ प्रोसेस इज थ्रेसिंग इफ इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम फॉर पेजिंग इन एंड आउट देन एग्जीक्यूटिंग ड्यू टू फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट दैट इज कॉल्ड थ्रेसिंग देखो होता क्या है हम लोग क्या करते हैं कोई प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को पेजेज में डिवाइड करते हैं अब मेमोरी में अगर इतना ही स्पेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि एक साथ इतने पेज आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एलोगो का यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं स्वैप आउट और स्वैप इन प्रोसेस लगाते हैं पेज इन और पेज आउट जिस पेज की मेमोरी में जरूरत होती है उस पेज को हम इन करते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती उसको आउट करते हैं फिर अगला जो रेफरेंस चाहिए होता है उसके लिए हम दूसरे पेज को जिसकी जरूरत होती है उसको फिर से इन करते हैं और जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको आउट करते हैं तो थ्रेसिंग क्या होता है अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बजाय पेज इन और पेज आउट में ज्यादा टाइम स्पेंड करती है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग अ प्रोसेस इज थ्रेसिंग इफ इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम फॉर पेजिंग इन पेज आउट देन एग्जीक्यूटिंग और ऐसा क्यों होता है ड्यू टू फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट मतलब ये मेमोरी है इसमें किसी प्रोसेस के एक पेज को सर्च किया गया वो नहीं मिला तो पेज फॉल्ट होगा तो फिर क्या होगा पेज जो इसमें पेजेस नहीं है उसको हम पेज आउट करेंगे दूसरे वाले जिसकी जरूरत है उसको पेज इन करेंगे तो पेज फॉल्ट होता रहेगा तो फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट की वजह से जो प्रोसेस है हमारी वो एग्जीक्यूट होने के बजाय ज्यादा टाइम वेस्ट करती है किस पे पेजिंग इन और पेज आउट पर और ये क्यों होता है ड्यू टू पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो हमारी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी उसी से तो हम पेज करते हैं स्वेप इन और स्वेप आउट तो प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट होने के बजाय स्वैप इन और स्वैप आउट पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है तो हम लोग इस कंडीशन को बोलते हैं सिचुएशन को बोलते हैं थ्रेसिंग अब थ्रेसिंग डिग्रेडेशन इन सिस्टम परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है जब प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है इन और आउट में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है तो हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी इफ अ प्रोसेस डज नॉट हैव इनफ इनफ नंबर नंबर ऑफ ऑफ फ्रेम्स फ्रेम्स एलोकेटेड टू इट इट विल यूज इश्यू पेज फॉल्ट मतलब आपने किसी मेमोरी में में जितने पेज उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए अगर आपने उतने पार्ट उसको नहीं दे रखे हैं तभी तो फिर पेज एंड पेज आउट शुरू होता है भाई इसको चाहिए सपोज करोज पेज नम, पेज में ए बी और सी आपने क्या किया ए बी सी दे दिए तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर सपोज करो डी भी चाहिए और डी इसमें नहीं है तो आप क्या करोगे किसी एक को बाहर निकालोगे देन फिर डी को लेके आओगे तो इन और स्वेप इन स्वेप आउट या पेज इन पेज आउट पेज आउट प्रोसेस होगी तो जब ये प्रोसेस होगी तो क्या होगा परफॉर्मेंस हमारी डिग्रेड होगी वही बात लिख रहा है इफ ए प्रोसेस डज नॉट हैव इनफ नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड टू इट दैट विल इशू अ पेज फॉल्ट और इसकी वजह से होती है थ्रेसिंग और थ्रेसिंग फिर क्या करता है परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है नेक्स्ट इफ द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज इंक्रीज ओवर अ लिमिट प्रोसेसर यूटिलाइजेशन फॉल्स डाउन कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ थ्रेसिंग अब देखो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहती है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है सपोज करो आपके पास चार प्रोसेस हैं P1, P2, P3 और P4 अब आपके पास क्या है कि मेमोरी में स्पेस इतना नहीं है कि चारों प्रोसेस आ पाए तो आपने क्या किया एक पेज P1 का उठा लिया एक पेज P2 का उठा लिया एक पेज P3 का उठा लिया एक पेज P4 का उठा लिया एक पेज का एक पेज P2 का एक पेज पी थ्री का एक पेज पी फोर का चारों प्रोसेस कंप्लीटली नहीं है मेमोरी में। चारों तो प्रोसेस को ऐसा लगेगा कि चारों प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है बट इंटरनली क्या हो रहा होगा P1 का एक प्रोसेस एक पेज है अब उसको जब दूसरा पेज चाहिए होगा तो मेमोरी के किसी एक पोर्शन पे कुछ को स्वैप आउट करना पड़ेगा दूसरी पेज इन करनी पड़ेगी फिर दूसरी को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका आपके पास एक ही पेज है बाकी को फिर से दूसरे पार्ट को पेज को लाने के लिए क्या होगा किसी पार्ट को आपको स्वैप आउट कराना पड़ेगा और तभी इसका दूसरा पीटू का दूसरा पार्ट पेज इन हो पाएगा तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि आपने ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस तो मेमोरी में ले आए सबका एक एक पेज ले आए बट क्या होगा चारों एग्जीक्यूट तो होंगी नहीं चारों एक साथ एग्जीक्यूट क्यों नहीं होंगी क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ पोर्सन चाहिए होगा तो बार बार ये आउट स्वैप इन स्वैप आउट करता रहेगा तो यही ये कह रहा है कि आप ऐसा भी कर सकते थे कि P1 और P2 के दो दो पेज ले लेते ले फिर बाद में P3 और P4 फोर पी फोर के ले लेते ले तो आपने क्या अगर रजा पी वन और पी टू के दो प्रोसेस के दो दो पेज लेते तो शायद एग्जीक्यूशन आपका आसान हो जाता रादर देन आप चारों प्रोसेस की एक एक पेज को उठाते तो यही ये कहना चाह रहा है कि जब आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो थ्रेसिंग हमारी थ्रेसिंग हमारी अकर होती है क्यों आपने क्या किया डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम मेमोरी के अंदर आपने इतनी प्रोसेस दे दी कि सब प्रोसेस तो सारी आ गई सबका एक एक पेज आ गया लेकिन एग्जीक्यूशन की बजाय वो पेज इन और पेज आउट पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अब आपको आइडिया लग गया होगा थ्रेसिंग क्या होती है थ्रेसिंग का सीधा मतलब ये है पेज इन और पेज आउट में ज्यादा टाइम खर्च करे रादर देन एग्जीक्यूशन अब ये क्यों होता है कई बार पूछ दिया जाता है कॉलेज ऑफ थ्रेसिंग क्या है तो मैंने बोल्ड में लिख दिया है ड्यू टू या तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी की वजह से होगा या फिर डज नॉट हैव इनफ नंबर ऑफ फ्रेम्स मतलब लैक ऑफ फ्रेम्स जो आप जितने फ्रेम्स प्रोसेस को चाहिए थे उतने फ्रेम्स उसमें अवेलेबल नहीं है इसकी वजह से थ्रेसिंग हो जाती है या फिर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आप एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या होगा थ्रेसिंग होगी तो इसके तीन रीजन हमारे पास निकल के आते हैं नंबर वन पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी नंबर टू लैक ऑफ फ्रेम्स और नंबर थ्री डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो ये तीनों पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए है कोर कॉन्सेप्ट ये है थ्रेसिंग तब अगर होती है जब कोई प्रोसेस पेज इन और पेज आउट में ज्यादा टाइम वेस्ट करे रादर देन एग्जीक्यूशन ये देखिए ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है ये प्रोसेसर यूटिलाइजेशन है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीपल प्रोसेस जो कि आप मेमोरी में ले जा रहे हैं एक लिमिट तक अगर आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं तो प्रोसेसर यूटिलाइजेशन बढ़ता है बट एक लिमिट के बाद हमारा प्रोसेसर यूटिलाइजेशन डाउन होने लगता है क्यों आपने सारी प्रोसेस के एक एक पेज तो दे दिए लेकिन उनके एग्जीक्यूशन के लिए फिर दूसरा पेज चाहिए तो स्वैप आउट स्वैप इन स्वैप आउट स्वैप इन ही चलता रहेगा और वो प्रोसेस पेज इन पेज आउट पे ज्यादा टाइम वेस्ट करेगी रादर देन एग्जीक्यूशन तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं क्या थ्रेसिंग तो डिग्री ऑफ मल्टी मल्टीप्रोग्राम एक टाइम तक बढ़ाने तक तो यूटिलाइजेशन बढ़ता है बट उसके बाद परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है दैट इज ऑल अबाउट अब देखो को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं टू प्रिवेंट थ्रेसिंग वी मस्ट प्रोवाइड अ प्रोसेस एज मेनी फ्रेम्स एज इज नीड भाई थ्रेसिंग को बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस प्रोसेस को जितने फ्रेम्स चाहिए उतने फ्रेम्स दे दो एज फ्रेम्स एज इट नीड जितने फ्रेम्स चाहिए उतने फ्रेम्स दे दो तो पेज इन पेज आउट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर एग्जीक्यूशन ही होता रहेगा तो फॉर दिस अ मॉडल कॉल्ड वर्किंग सेट मॉडल इज डेवलप्ड विच डिपेंड्स ऑन लोकेलिटी मॉडल ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो इसके लिए हमने एक मॉडल बनाया जिसका नाम दिया गया वर्किंग सेट मॉडल तो वर्किंग सेट मॉडल क्या करता है थ्रेशिंग से प्रिवेंट करता है अच्छा ड ऑन लोकैलिटी मॉडल ऑफ द प्रोग्राम ये लोकैलिटी मॉडल पर डिपेंड करता है बात समझ में सोलो करेंगे बाई यूजिंग वर्किंग सेट मॉडल और वर्किंग सेट मॉडल इज बेस्ड ऑन लोकेलिटी मॉडल अब देखो लोकलिटी मॉडल क्या होता है अब पहले लोकेलिटी मॉडल को समझते हैं देखो लोकैलिटी मॉडल की पहले डेफिनेशन लोकेलिटी मॉडल क्या है लोकेलिटी इज अट ऑफ पेजिस दैट आर एक्टिवली यूज टूगेदर लोकेलिटी मॉडल स्टेट दैट अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट मूव फ्रॉम वन लोकैलिटी टू एन अदर दस अ प्रोग्राम इज जनरली कंपोज ऑफ सेवरल डिफरेंट लोकेलिटीज विच में ओवरलैप देखो लोकेलिटी का सीधा सीधा मतलब है सेट ऑफ पेजेज देट आर एक्टिवली यूज टूगेदर देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैंने लिखा थ्री फोर वन फोर थ्री टू सिक्स सिक्स सेवन टू अब मुझे इसमें लोकेलिटी फाइंड आउट करनी है लोकेलिटी मतलब ऐसा सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिवली यूज टूगेदर तो यहां देखिए ये यह मैंने टू लिखा हुआ है अगर मैं कहूं एक लोकेलिटी अगर मैं इसको एज्यूम कर लू और एक लोकेलिटी अगर मैं इसको एज्यूम कर लू तो ये दो लोकेटीज हो गई तो इस लोकेलिटीज में कौन कौन से एलिमेंट हैं? वन थ्री और फोर इसमें ये सेट है वन थ्री फोर और इस लोकैलिटी में कौन कौन से एलिमेंट हैं टू सिक्स और सेवन ठीक तो एक लोकैलिटी ये हो गई जिसमें एलिमेंट, जिस एलिमेंट है एक लोकेलिटी ये हो गई जिसमें एलिमेंट है मतलब लोकेलिटी सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिवली यूज टूगेदर ये तीनों पेज एक साथ यूज हो रहे हैं पहले थ्री फिर फोर फिर वन फिर फोर फिर थ्री है ना इधर देखिए पहले टू फिर सिक्स फिर सिक्स फिर सेवन फिर टू तो ये हमने अलग अलग लोकेलिटी

और अगर बीच में अगर आप लेते सपोज करो यहां से यहां तक अगर आप लोकैलिटी लेते यहां से यहां तक तो इस लोकेलिटी में कितने एलिमेंट मिलते हैं आपको फोर थ्री टू सिक्स ये भी एक लोकेलिटी हो सकती है तो लोकेलिटी का सीधा सीधा मतलब ये है आपको वो लोकेलिटी वो सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिवली यूज्ड टुगेदर अभी मैं केवल लोकेलिटी मॉडल बता रहा हूं इसका थ्रेसिंग या आपकी मेमोरी मैनेजमेंट इससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल मैं आपको लोकेलिटी फाइंड आउट का मतलब बता रहा हूं कि ऐसा सेट जिसमें की वो, process, execute, वो 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 प्रोसेस एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट हमारे हो हो रहे तो एक मैंने ये फाइंड आउट करी यहां से लेके यहाँ तक तो उसके एलिमेंट आए वन थ्री फोर फिर दूसरी लोकैलिटी मैंने यहां से यहां तक फाइंड आउट की तो उसके एलिमेंट आए टू सिक्स सेवन अब सपोज करो मैं इस लोकेलिटी को चूज करता हूं जिसमें एलिमेंट आ गए फोर थ्री टू सिक्स तो डिफरेंट लोकेलिटीज तो हो सकती है अब देखो अब आप हम आते हैं वापस अपने वर्किंग सेट मॉडल पे वर्किंग सेट मॉडल क्या कहता है देखो वर्किंग सेट मॉडल टू प्रिवेंट थ्रेसिंग वी मस्ट प्रोवाइड अ प्रोसेस एज मैनी फ्रेम्स एज इट नीड थ्रेसिंग से बचने के लिए हम प्रोसेस को उतने फ्रेम्स देंगे जितनी उसको जरूरत होगी तो पेज इन पेज आउट होगा ही नहीं सीधी सी बात इसके लिए हम क्या करते हैं एक पैरामीटर डेल्टा यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द वर्किंग सेट विंडो साइज ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्किंग सेट विंडो साइज ये पैरामीटर डेल्टा हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं ये डेल्टा हम चूज करते हैं अब देखो डेल्टा क्या है ये पूरी की पूरी मैंने रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है ये पूरी स्ट्रिंग है जिसको एग्जीक्यूट होना है ठीक तो इसमें हमने पहले तो सपोज करो डेल्टा की वैल्यू चूज कर ली टेन ठीक तो टेन एलिमेंट्स पहले ले लो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो यहां से लेके यहां तक मैंने एक लोकेलिटी चूज की यहां से यहां तक एक लोकेलिटी चूज की एट टाइम टी वन ठीक फिर यहां से लेके यहां तक एक लोकेलिटी हमने चूज कर ली एट टाइम टी टू इसमें भी आपके दस एलिमेंट होंगे क्योंकि डेल्टा की वैल्यू आपने ले रखी है टेन विंडो शायद वर्किंग सेट विंडो साइज डेल्टा ये बताता है कि आप एक लोकैलिटी में कितने एलिमेंट ले रहे हो एक दो तीन चार पांच छह सात सॉरी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ये हो गई एक लोकलिटी हमने ले ली यहां से लेके यहां तक एट टाइम टी थ्री ये हमारी एक लोकलिटी होगी इसमें हमारे एलिमेंट हो गए दस एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो ये तीन लोकलिटी है एट टाइम टी वन यहां तक ले ली टी टू यहां तक ले ली और टी थ्री यहां तक ले बात समझ में आ गई अब देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा कलर हटा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए ठीक ये तीन लोकेलिटी हमने ले ली एट टाइम T1 वन यहाँ तक T2 इतना और T3 इतना और लोकेलिटीज ओवरलैप भी हो सकती हैं तो ये T1 की लोकेलिटी थी ये T3 थ्री भी मुझे लोकेलिटी मिली थी T2 तो टू टाइम पे आधी लोकेलिटी ये आधी ये ओवरलैप होगी कोई प्रॉब्लम नहीं उससे कोई इशू नहीं है तो हमने डेटा डेल्टा एज्यूम कर लिया अब देखो जरा अब हम निकालेंगे वर्किंग सेट देखो वर्किंग सेट एट टाइम टी वन मतलब टी वन वाली जो लोकलिटी थी तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं तो देखो ये टू टू वन वन, वन फाइव फाइव सेवन सेवन इसके बाद यही एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं देखो सेवन फाइव वन तो वन टाइम पे जो वर्किंग सेट है उसमें क्या है टू वन फाइव सेवन ये चार एलिमेंट है ये रिपीटेडली यूज हो रहे हैं अगर मैं बात करूं वर्किंग सेट एट टाइम टी टू तो इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट है सेवन फाइव वन थ्री फोर सेवन फाइव वन थ्री फोर यही एलिमेंट रिपीटेडली यूज हो रहे हैं सेवन तीन बार फिर फोर तीन बार ये तीन दो बार तो बट वर्किंग सेट क्या है इतना है अगर यही मैं टाइम टी थ्री की बात करता हूं तो यहां पर टी थ्री पे विंडो वर्किंग सेट क्या है थ्री कॉमा फोर वही दोनों एलिमेंट हमारे यूज हो रहे हैं है ना अब देखिए अब हम मेमोरी में जब एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है दस तो हम वर्किंग सेट के मीडियम से हम ये बता सकते हैं कि मेन मेमोरी में अब हम दस स्लॉट ना यूज करके हम चार स्लॉट यूज करेंगे जिसमें कि एलिमेंट होनी चाहिए टू वन फाइव और सेवन टू वन फाइव सेवन अगर मेन मेमोरी में हम ये चार एलिमेंट दे दें तो ये दस एलिमेंट यहां से यहां तक हमारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा बार बार पेज इन पेज आउट करने की जरूरत नहीं है सेम चीज यहां पर अगर मैं T2 टू टाइम पर मेमोरी को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं तो 10 मेमोरी फ्रेम की जरूरत नहीं है आप पांच मेमोरी फ्रेम्स दे दीजिएगा सेवन फाइव वन थ्री फोर उसमें ये एलिमेंट दे दीजिएगा तो इसका एग्जीक्यूशन आसानी से हो जाएगा बार बार पेज इन पेज आउट की जरूरत नहीं है जो आप फीफो एल और ओपीटी में कर रहे थे है ना अब आज समझ में आ गई यही अगर हम टी की बात करें तो हमें दो मेमोरी फ्रेम्स अगर मिल जाए एक मेमोरी फ्रेम्स में मैं डाल दू तीन और दूसरे वाले में चार तो हमारा पेज फॉल्ट नहीं होगा इन दोनों से इन दो से हमारा काम चल जाएगा दस फ्रेम की जरूरत नहीं है फीफो, की तरह है कि बार बार पेज फॉल्ट करते रहे हमें क्या करना है बेसिकली पेज फॉल्ट को ही रिड्यूस करना है तो हम आपने देखा कि हमारा वर्किंग सेट डिसाइड करके हमने एट टाइम टी वन टी टू टी थ्री किस तरीके से दस फ्रेम्स की जरूरत थी दस दस की तो हमने कितने कर लिए चार यहां पांच और यहां पे दो बात क्लियर हो गई आप देखिए जो हम ये डेल्टा चूज कर रहे थे ये डेल्टा कैसे चूज करेंगे ये हमने कहा था ना अपनी तरफ से करेंगे इसके लिए थोड़ी सी बात ध्यान रखनी पड़ती है क्या चॉइस ऑफ डेल्टा इज क्रूसियल अगर आप डेल्टा की वैल्यू स्मॉल लेते हैं सपोज करो दो ले लिए चार ले ली तो क्या होगा इट विल नॉट कवर द दर वर्किंग सेट समझ में आ गई बात इस फिगर में देखिए अगर आप डेल्टा की वैल्यू अगर आप डेल्टा की वैल्यू दो ले लेते तो क्या होता केवल दो आता या तीन ले, ले लेते तो क्या होता टू को वन आ जाता तो हमारा पर्पज सॉल्व नहीं होता तो वही कह रहा है कि इफ डेल्टा इज टू स्मॉल टू टी डबल इज टू स्मॉल इट विल नॉट कवर द दर वर्किंग सेट तो एंटायर वर्किंग सेट सफिशेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ये कवर नहीं कर पाएगा अगर हम टू लार्ज डेटा को बहुत ज्यादा बड़ा ले लेते हैं कोई फायदा ही नहीं रहेगा आपकी डिफरेंट लोकलिटीज, लोकलिटीज वो एक में ही आ जाएंगी अब देखो यहां से क्लियर समझ में आ रहा होगा इसमें टू वन फाइव सेवन है टी वन टाइम वाली में टू वन फाइव सेवन और टी थ्री वाले में क्या है थ्री कॉमा फोर अगर आप पूरी लोकलिटी यहां से यहां तक की लेते तो ये एलिमेंट्स इधर आ जाते ओवरलैप हो जाती तो थ्री और फोर इधर वाले में चला जाता तो यहाँ पे एलिमेंट बढ़ जाते बट एग्जीक्यूशन इसका होना था इस टाइम पे है ना तो वही बात है कि डेल्टा को हम लोग जो चूज करेंगे ये क्रूशियल पार्ट है इसको ठीक से हमें चूज करना पड़ेगा अगर हम बहुत छोटा चूज कर लेते हैं तो इट विल नॉट कवर द एंटायर वर्किंग सेट अगर हम ज्यादा बड़ा ले लेते हैं तो सेवरल लोकलिटीज ऑफ ए प्रोसेस में ओवरलैप तो वर्किंग सेट मॉडल ये कहता है कि आप पहले जो आपको स्ट्रिंग दी गई है उसमें आप ज फाइंड आउट कर लीजिए हमने लोकलिटीज फाइंड आउट कर ली बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा डेल्टा की वैल्यू डिसाइड कर ली तो टेन एलिमेंट्स का टी वन पे निकाल दिया फिर टेन एलिमेंट्स का टाइम टी टू निकाल लिया फिर टाइम टी थ्री हमने एक लोकलिटीज बना ली इनके हमने बना लिया वर्किंग सेट कि टी वन पे कौन कौन से एलिमेंट्स है टू वन फाइव सेवन टी टू पे सेवन फाइव वन थ्री फोर और टी थ्री पे थ्री कोमा फोर अब देखो इसके आगे क्या करना होता है अब हम कंप्यूट करते हैं विंडो साइज उसको बोल दिया डब्ल्यू एस एस वर्किंग सेट साइज वर्किंग सेट साइज तो डब्ल्यू एस एस लिख दिया मैंने फॉर ईच प्रोसेस तो इससे ये मैंने लिखा हुआ है डी टी नाव इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू वन टू पी डब्लू एस एस टी नाउ इसका मतलब ये है टिल टाइम जितने भी आपके वर्किंग सेट बन रहे हैं जैसे इसमें देखा आपने कितने सेट बन रहे हैं तीन तो इसी तरीके से टिल नाउ टिल टाइम जितने भी आपके वर्किंग सेट बन रहे हैं उनकी जो साइज है उनका आप समेशन कर लीजिए तो दैट विल बी इक्वल टू डी एट टाइम टी डी मतलब डिमांड डी मतलब डिमांड वही मैंने लिखा है नाउ कंप्यूट द डब्ल्यू एस वर्किंग सेट साइज फॉर ईच प्रोसेस एंड फाइंड द टोटल डिमांड डी ऑफ द सिस्टम डी मतलब टोटल डिमांड एट दैट इंस्टेंस इन टाइम एज द समेशन ऑफ ऑल द विंडो वर्किंग सेट साइज सारे वर्किंग सेट का साइज का समय अब देखिए वर्किंग सेट की साइज का समेशन अब हमें क्या करना है थ्रेसिंग कैसे हम पता लगाते हैं इफ द नंबर ऑफ फ्रेम्स इज एन जो आपके फ्रेम्स हैं वो N है तो जो डिमांड की वैल्यू है अगर डी की वैल्यू एन से ज्यादा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते सिस्टम में थ्रेसिंग होएगी ही होएगी देखिए कैसे सपोज करो यहां पर आपको चार फ्रेम्स चाहिए जो आपकी ये लोकलिटी थी T1 पे आपको चार फ्रेम चाहिए टू वन फाइव सेवन अब आपके पास भाई फ्रेम्स दो ही हैं दो फ्रेम्स हैं बट मिनिमम चार चार तो चाहिए ही चाहिए ही डिमांड की है है ना है दो तो फिर क्या होगा फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर तो थ्रेसिंग ही हो होगा स्वैप एंड स्वैप आउट प्रोसेस चलेगी चलेगी क्यों क्योंकि भाई चार की जरूरत थी है हमारे पास दो ही फ्रेम्स फिर तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि मेमोरी के दो फ्रेम्स हैं आपके पास और चाहिए आपको चार तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता तो वही ये लिख रहा है कि अगर आपकी डिमांड नंबर ऑफ फ्रेम से ज्यादा है तो तो फिर थ्रेसिंग होगी बेसिकली थ्रेसिंग एक तरीके से वर्किंग सेट मॉडल क्या करता है थ्रेसिंग को मिनिमाइज करता है मिनिमाइज है ना इफ डी इज लेस देन एन अगर आपकी डिमांड जो है नंबर ऑफ फ्रेम से कम है द सिस्टम इज ऑल राइट द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैन पॉसिबली बी इनक्रीज मतलब समझ में आया अब इस टाइम पे अगर आपकी डिमांड किसी भी टाइम पर डिमांड आपकी नंबर ऑफ फ्रेम से कम है तो आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ा सकते हैं बढ़ाते जाइए तो इस तरीके से हम वर्किंग सेट मॉडल का यूज करके डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हम लोग इस लेवल तक बढ़ा सकते हैं कि हमारे सिस्टम में थ्रेसिंग ना हो मैं एक बार रिपीट करता हूं ऊपर से वर्किंग सेट मॉडल ये हमारा प्रिवेंट करता है इसमें हम क्या करेंगे एक पैरामीटर डेल्टा चूज करेंगे डेल्टा चूज करके टाइम टी वन टी टू टी थ्री पे वर्किंग सेट विंडो साइज हम डिसाइड कर लेंगे है ना विंडो डिसाइड करने के बाद आप इनके वर्किंग सेट बनाएंगे वर्किंग सेट बनाने के बाद टिल नाउ आप डिमांड देखेंगे कि उस टाइम तक की डिमांड कितनी है डी कितना आया अगर डी आपका नंबर ऑफ फ्रेम से ज्यादा है तो सिस्टम में थ्रेसिंग है आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज नहीं करेंगे अगर डी जो है आपका नंबर ऑफ फ्रेम से कम है दैट मीन सिस्टम इज ऑल राइट आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर लीजिए उस टाइम तक आपका थ्रेसिंग अकर नहीं होगा तो इस तरीके से हम वर्किंग सेट मॉडल से हम लोग जो थ्रेसिंग की अकरेंस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं राइट तो इस वीडियो में हमने आपको बताया थ्रेसिंग क्या होता है ठीक है ना थ्रेसिंग क्या है इसके कॉजेस बता दिए क्यों होता है इसको फिर हम प्रिवेंट कैसे करते हैं बाय यूजिंग वर्किंग सेट मॉडल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं वर्किंग सेट मॉडल ठीक है ना और लोकेलिटी मॉडल भी कई बार पूछ दिया जाता है शॉर्ट में कि लोकेलिटी मॉडल क्या होता है या लोकेलिटी रेफरेंस मॉडल क्या होता है तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं राइट कहीं कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिएगा आई विल रेस्पॉन्ड ओके थैंक यू